हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो पिछले दो दिनों से मैंने एवरेज का चैप्टर करवाया है। पहले बेसिक्स करवाए थे, उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर हुआ। तो आज जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, एक मॉक टेस्ट आपको देने वाला हूँ। तो आप आज जो 6 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, एंड 6 क्वेश्चंस आपने 5 मिनट में करने हैं, राइट। तो चलिए आपको दिखाता हूँ 6 क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक प्रिपरेशन प्लान जो है IBPS PO का पेन ड्राइव कोर्स है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें वीडियोस, टेस्ट नोट्स सब कुछ है, आप अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप पे जो मॉक टेस्ट हैं वो ले सकते हैं, राइट। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है हमारी बैंक PO पेन ड्राइव कोर्स का, bankexamstoday.com पे जाके आप खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आज का टेस्ट है आपका, आपके लिए 5 मिनट है। तो 5 मिनट में आपने ये जो है सॉल्व करना है आज। तो चलिए सॉल्व कीजिए, 5 मिनट दिए गए हैं आपको। आई होप मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ 5वें 6ठे क्वेश्चन के। तो शुरू कीजिए, इस वीडियो को वैसे आप पॉज कर लीजिए, बेस्ट तरीका तो यही है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या आपके पास वॉच है कोई तो 5 मिनट आप देख लीजिए कि 5 मिनट का स्टॉप वॉच लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये मैं बताऊंगा नहीं कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं कौन से इजी हैं। 3 क्वेश्चन बहुत इजी हैं और 2 क्वेश्चन थोड़े से एवरेज, 2-3 क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के हैं। हार्ड क्वेश्चन इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि एवरेज में से इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आते भी नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आई होप आपने पॉज करके वीडियो दोबारा स्टार्ट कर ली है। अभी मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अ श्रूड मिल्कमैन मिक्सेस वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ 2/3। ये 2-3 की रेशियो में 2 वाटर है और जो 3 है दिस इज मिल्क, ठीक है। तो व्हाट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, ये वर्ड ध्यान में रखने वाले हैं, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। तो पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज का समझ लीजिए, अगर ये वर्ड नहीं लिखा होता रिमूव्ड एंड रिप्लेस, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है, उसमें 20 लीटर पानी है, 30 लीटर मिल्क का एक मिक्सचर है, राइट। अगर तो आप उसमें और पानी ऐड करते हैं, फिर तो आपका वो सिंपल एलिगेशन वाला जो फॉर्मूला होता है, एलिगेशन वाला ये वाला जो होता है, बीजी 20 लीटर यहाँ है, 30 यहाँ है और एक एक यहाँ पे, वो तो फिर सिंपल लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने बोला है कि 20, ये 2 और 3 की रेशियो में तो है, लेकिन कुछ एक जो सोल्यूशन है वो निकाल लिया है और उसमें जितना निकाला है उतना पानी भर दिया है, तो उसमें ये वाला जो तो है एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। समझ रहे हैं, मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये रिप्लेसमेंट वाला सीन ना होता तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, लेकिन यहाँ पे रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड ये वर्ड ध्यान में रखिए, जहां पे भी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड आ जाता है वहां पे क्वेश्चन सीधा नहीं रहता, वहां पे थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। अभी यहां पे देखिए, 2 और 3 का रेशियो था, राइट, दूध और पानी का, ये पानी है ऊपर नीचे दूध है, राइट, माइनस इसमें से 2/5। अभी एक्स हमने मान लिया है कि कितना एक्स इज जो जितना जो है सॉल्यूशन निकाला है, जितना सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन में से, जितना ये 50 लीटर जितना भी आपने माना है, इसमें से कितना रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस्ड सॉल्यूशन, राइट, रिप्लेस्ड सॉल्यूशन, रिप्लेस्ड मिक्सचर है, इसको हमने एक्स मान लिया है। अभी रिप्लेस जो मिक्सचर किया है, मान लीजिए 50 लीटर था, उसमें से 20 लीटर पानी था, 30 लीटर मिल्क था, दूध था, उसमें से अगर आप 10 लीटर उस मिक्सचर में से 10 लीटर आप जो सॉल्यूशन है वो निकाल लेते हैं, जो सॉल्यूशन निकाला है उसका भी तो रेशियो, उसमें भी तो 4 लीटर आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, पानी और 6 लीटर दूध हो गया। समझ रहे हैं बात को, तो ये फंडा हमने यहाँ पे यूज किया है, आपको बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया है। उसके बाद क्या किया इसने, इसमें पानी ऐड कर दिया, इसमें इसने पानी, ये जितना निकाला उतना ही पानी ऐड कर दिया, ताकि एंड में जो रेशियो है वो 1/1 रहे। अभी 1/1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा ना, तो इज इक्वल टू 1। अभी आप अगर चाहें तो यहाँ पे 2 पे जो इनिशियल वैल्यूज थी उसको आप y ले सकते हैं या आप सीधा ऐसे ही चलने दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे लीटर्स की बात नहीं आ रही है, कुछ मिक्सअप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा या तो इसको y पकड़ लें या सीधा ऐसे ही चलने दें, ये आपकी विश पे डिपेंड करता है, राइट।
सीधा x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं या x और y को इकट्ठा करके उसका रेशियो भी निकाल लेंगे, तब भी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई स्टूडेंट पूछेंगे सर y क्यों नहीं डाला, दोनों तरीकों से एक ही आंसर निकलेगा आपका। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको एडअप कर लीजिए, देख लीजिए 2 ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3/5x। तो इसको आगे ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 3 - 3/5x, तो ये तो जिधर आ जाएगा इधर आ जाएगा ये 6/5x। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 5/6, एंड दिस इज योर आंसर। इतना जो सोल्यूशन है निकाला। अभी अगर आप इसको वैल्यूज को पुट करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा, लेकिन दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। पेपर में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, बट कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक लगाइए सिंपल। ये क्वेश्चन को करने का तरीका है बस। यहाँ पे जो इनिशियल जो वैल्यू थी मिल्क की, अगर आपने उसका भी यहाँ पे भी आप वाई ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई लेके भी कर लेंगे, तो फिर भी यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे अकेला एक्स नहीं आता, एक्स ओवर वाई आ जाता, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई भी ले सकते हैं, सीधा ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपका दिल करता है, लेकिन अपना जो लॉजिक है, आपका जो फंडा है वो क्लियर रखें। यहाँ पे मैंने लॉजिक जो है ये बिल्कुल क्लियर रखा है, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 35 years। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 35 years। 35 साल का एवरेज एज है। इफ द स्टूडेंट्स हुज एज इज 25 इज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, द एवरेज एज ऑफ दोज हु प्रेजेंट गोज अप बाय 1। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास ओरिजिनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, लेकिन पेपर में कई बार आ जाता है, प्रीलिम लेवल के पेपर में। देखिए सबसे पहले टोटल एज क्या है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, जो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स ही आपने फाइंड करना है। तो टोटल एज क्या हुई सभी स्टूडेंट्स की, टोटल एज आपकी हो गई है जी 35x, और अगर आपको एवरेज निकालना है तो 35x/x, राइट, सिंपल। अभी यहां पे इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले 35x, इसमें से एक जिसकी एज 25 साल है वो नहीं आया है, राइट, 25 साल वाला बंदा नहीं आया। ये पहले हमारी इक्वेशन थी 35x/x, इसमें से एक 25 साल वाला बंदा नहीं है, और x की वैल्यू भी तो एक कम हो जाएगी ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने भी हैं उसमें से एक 25 साल वाला बंदा नहीं आया, राइट, टोटल में से माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी तो माइनस होगा ना, ये तो माइनस कर दिया हमने। तो अभी जो नया डिफरेंस बन गया है ये वाली टोटल एज में, और ये हमने एवरेज निकाल दिया, ये नई वाली एवरेज है, दिस इज द न्यू एवरेज, ये नई एवरेज है, और पुरानी एवरेज 35, इसमें एक का डिफरेंस है। अभी सिंपल इक्वेशन बन गया है, आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको, कर लीजिए सॉल्व अपने लेवल पे, खुद ही कर लीजिए, वैसे मेरी जरूरत नहीं है आपको अभी। 35x - 25, यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा आपका 35x + 35, राइट, इज इक्वल टू ये एक्स माइनस वन को इधर ले जाइए, बहुत आसान है अभी तो, इजीली हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बन जाता है जी 10 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाती है 11, तो 11 इज द योर आंसर। इनिशियली 11 स्टूडेंट से, और जब ये एक स्टूडेंट चले गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 10। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला था, आई होप आपने ये कर लिया होगा। ये टेस्ट है स्टूडेंट्स, ये मैं कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये एक तरीके का आपके लिए एक टेस्ट था। शरत ने इन्वेस्ट करे हैं 10,000 रुपए, ये रिवीजन चल रही है आपकी, राइट, तो वो मत समझें कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो मैं अगले सेशन में करवाऊंगा। तो अभी के लिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, दो पार्ट्स में, एक पे 6% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे पे 8%, दो ऑप्शंस हैं, एक 6% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे पे 8% इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल के बाद इसको जो इंटरेस्ट मिला है वो 1440 रुपए है। व्हाट इज द अमाउंट ही पुट इन 6%, राइट, ये 6% वाला दिया हुआ है और 8% वाला दिया हुआ है, राइट, इसका रेशियो निकालना है, तो आपको यहाँ पे इसका एवरेज है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 10,000 रुपये 2 साल के लिए किसी रेट पे इसने डाले हैं, उसको 1440 रुपये मिले हैं, राइट, तो यहाँ पे आप आर निकाल सकते हैं इजिली, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बच्चे भी निकाल लेंगे, तो आर आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये नीचे 10,000 × 2, तो ये आपका बन जाएगा 1440
डिवाइडेड बाय 2, ये आपका बन जाएगा 7.2%, राइट। तो 7.2 आ गया जी आपका यहाँ पे। अभी तो इजी वे में आप कर ही सकते हैं, बच्चे भी कर लेंगे। सो दिस वन गोज आउट 0.8 एंड दिस वन गोज आउट 1.2, ये बन गया आपका रेशियो 2/3 के रेशियो में जो ही है। ये देख लीजिए ना, 0.4 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 2/3 का रेशियो है। 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करे हैं तो ऑब्वियसली 4,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करे होंगे और 6,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करे होंगे, राइट। 2/5 यहाँ पे, 2/5 ऑफ द मनी, 2/5 ऑफ 10,000 यहाँ पे और 3/5 ऑफ 10,000 यहाँ पे। तो 4,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करे हैं, 6,000 यहाँ पे करे हैं, और उन्होंने पूछा था 6% पे कितने करे थे जी, 4,000 रुपये करे थे। तो 4,000 जी आपका आंसर है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है। बचपन में हमारे टीचर जो है हमें ये क्वेश्चन दिया कर एक दिया था हमें और पूछा था, सरकारी स्कूल में थे हम, और हमसे पूछा था कि ये जो क्वेश्चन बच्चा करेगा उसे मैं चॉकलेट दूंगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, और आज ये बड़ी बड़ी किताबों में आ रहा है, सिमिलर सा क्वेश्चन था। देखिए पांच नंबर्स हैं, करने का तरीका देखिए, पांच पॉजिटिव नंबर्स हैं, कुछ भी रैंडम पॉजिटिव नंबर्स। द एवरेज ऑफ ऑल दीज पॉसिबल डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स ऑफ दीज, ध्यान से समझिए, पॉसिबल डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स ऑफ दीज फाइव नंबर्स इज बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही सच सही क्या है इसमें। सबसे पहले ये वैसे एक सिंपल सा लॉजिक है, आप पहले कोई भी पांच नंबर पकड़ ले, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी पकड़ ले, बड़े नंबर पकड़ने हैं बड़े पकड़ लें, कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो यहां पे एक फंडा समझिए, अगर मैं ट्रिपलेट्स बनाऊं, इसका ट्रिपलेट बनाऊं, ठीक है, एवरेज ऑफ द एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा 2, ये ट्रिपलेट बना लूं, इसका एवरेज क्या होगा 3, ये मैं ट्रिपलेट बना लूं, इसका एवरेज क्या होगा 4। इससे आगे भी आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, 2, 3, 5, 4, 3, 1, सारी पॉसिबिलिटी में आप बना लीजिए, जितने मर्जी बना लीजिए। एट द एंड इसका आप एवरेज निकालेंगे, फिर से आपका 3 एवरेज आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर था, ये जो सभी पांचों नंबर का एवरेज था 3, तो एवरेज ऑफ एवरेज जब मैंने निकाला तो ये भी 3 निकला। तो हमेशा आंसर क्या होगा, ए हमेशा बी के बराबर होगा। ये हमारा ए था कि पांच नंबर्स का एवरेज, और फिर उसका एवरेज का जो एवरेज निकलेगा वो बी के बराबर होगा। अब कोई भी नंबर घर पे ट्राई कर ले, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ट्राई करें, जितना मर्जी ट्राई करें, 1, 2, 3 ये ट्रिपलेट्स बना लें। पहले मैंने ये 3 ट्रिपलेट बनाए, फिर ये 3 बनाए, फिर ये 3 बनाए, इसके आगे भी पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, इसका ट्रिपलेट बनाए, फिर उसका एवरेज निकालें, देखिए आपका एवरेज क्या निकलता है। सभी सब कुछ ट्राई करें, आप जितना ट्राई कर सकते हैं एक बार करें, आपका क्या आंसर क्या निकलता है, सभी कुछ ट्राई करें, मतलब एट द एंड ऑफ द डे साइंटिफिकली आपका ये एक आंसर निकलेगा 3। तो ए हमेशा बी के बराबर रहेगा। ये वैसे कैट लेवल का क्वेश्चन है, यस, देखने में अभी आपको सिंपल लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये ट्रिपलेट्स की जगह पे ट्विन्स भी आ सकता था, क्वाड्रपल्स भी आ सकते थे कि 4-4 नंबर एक साथ लो या 2-2 लो। तो क्वेश्चन को समझिए, कोशिश कीजिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से। आई होप आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये सॉल्व कर लिया होगा, कि मेरे हिसाब से अभी तक मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। दैट इज़ व्हाई मैं डेली वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाता। तो अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ इनिंग्स वाज 21.75। ही प्लेड 3 इनिंग्स मोर एंड स्कोर्ड 28, 34, 37, थस इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 1.25। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसको अभी सॉल्व करते हैं। 21.75 तो इसका है ही है, तो इसके टोटल जो इसका स्कोर है, सबसे पहले तो एक्स नंबर ऑफ इनिंग्स ही प्लेड इनिशियली, नंबर ऑफ इनिंग्स इसको एक्स पकड़ लें, लेट नंबर ऑफ इनिंग्स इज इक्वल टू एक्स। तो टोटल स्कोर कितना इसने स्कोर किया था इनिशियली, तो 21.75 एक्स, राइट। और इसका एवरेज कितना हुआ, अगर मुझे मुझे इसका एवरेज निकालना है तो 21.75 ओवर एक्स इसका एवरेज आ जाएगा, जो भी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। देखने को क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन तरीका तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपको इजी क्वेश्चन करने का तरीका पता है तभी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे ना। तो इसका देखिए, अभी इसका मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूँ, 21.75 डिवाइडेड बाय एक्स। अभी इसने 3 इनिंग्स और खेल ली हैं, तो 28+34+37 इसने स्कोर किया है, 3 इनिंग्स ऐड हो जाएंगी इसकी टोटल इनिंग्स में,
और इसका एवरेज जो है 1.25 बढ़ गया है, तो मींस यहां से जो एवरेज है एक बार माइनस भी होगा 21.75, इसका पहले एवरेज था, दैट्स हाउ इसका 1.25 जो है एवरेज इंक्रीज हो गया। इसको सिंपलीफाई करते हैं, 21.75 प्लस इसका हो जाएगा 90.99, राइट, और ये तो इधर चले जाएगा, अगर जब इधर गया तो इसका आ जाएगा 23, और अभी 23 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम्स 23x प्लस 69। बड़े आसानी से अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो 21 प्लस 70, ये x था यहाँ पे, तो चलिए अभी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट बिकम्स 1.25x इज इक्वल टू, इट बिकम्स ये जो नंबर है ये इधर आ गया, तो ये माइनस का 1.25 आ गया, एंड हेयर ये आ चुका है आपका माइनस का 30, तो माइनस को उड़ा दीजिए पहले, एक्स बिकम्स 30 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आपका जो आ जाता है 1.25 को आप आसानी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 ऊपर 5, और ये आपका 6, ये आप लिख सकते हैं इसको 5 ऊपर 4, राइट, तो ये आप लिख सकते हैं इसको 6 एंड 24 जो है, दिस बिकम्स योर आंसर, राइट। तो 24 थे इनिशियली जो नंबर ऑफ इनिंग्स दैट ही प्लेड, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, इसका टोटल स्कोर निकालना है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 24, अब भाई 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 21.75 से, तो कीजिए इसको, एंड प्लस जो करना है आपको 28 प्लस 34 प्लस 37, तो ये आपने अभी करना है, तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए, तो ये आपका बनेगा, इसकी वैल्यू तो बनती है 522, 522 में ये सब ऐड करेंगे तो आपका बन जाता है 621, तो 621 जी आपका आंसर है, एंड तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर जी बनता है 621, ये तीनों ऐड करके टोटल स्कोर 621। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, जीके डाइजेस्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो आपकी जीके बहुत वीक रह जाएगी। करंट अफेयर्स, बैंकिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हम कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं, प्लीज़ इसको इंस्टॉल करके रखिए, एंड IBPS PO पेन ड्राइव कोर्स जो है वो ज़रूर लीजिए, ताकि आप सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन कर पाएँ, आपको रेगुलर वे में वो जो आप अपने घर पे कंप्यूटर पे या अपने SD कार्ड पे आप अपना आराम से वीडियोज़ देखें, अपना टेस्ट लें आराम से, एंड नोट्स मिले आपको, ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करें, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द पेन ड्राइव का जो पेन ड्राइव आप सीधा bankexamstoday.com पे जाएं, bankexamstoday.com, तो हेडर में आपको सीधा एक लिंक मिल जाएगा परचेज करने के लिए, राइट, तो यू कैन मेक द परचेज ऑफ पेन ड्राइव ऑन bankexamstoday.com, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कुछ एक लोग डिसलाइक करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वी आई एम ट्राइंग टू टीच यू, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो अपना एक कमेंट डाल दीजिए क्वेश्चन के साथ, मैं कोशिश करूंगा कि अगला एक डाउट क्लियरिंग सेशन करूं। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, अपने जो डाउट्स हैं, ये मैं कहना भूल गया, डाउट्स ये कमेंट्स में डालिए प्लीज, ये सारे डाउट्स जो हैं नीचे कमेंट्स में डालिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है टाइप इट और नीचे कमेंट में डालिए, मैं कोशिश करूंगा अगले सेशन में मैं 10 क्वेश्चन जो है करवाऊं आपके ही डाउट से, आप में से जितने स्टूडेंट्स मुझे डाउट्स भेजेंगे उसमें से 10 क्वेश्चन मैं लूंगा और आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन करके समझाऊंगा मैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।